बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से रोशन तलवे है, रुखसार का आलम क्या होगा। जब हुस्न का उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई पिता बिन देखे है, दीदार का आलम क्या होगा। मोहतरमुल मकाम सदर साहब, वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम और अहले मीज़ान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मौज़ू सुखन सीरतुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर करने वाले और तकरीर सुनने वाले मुंतज़िम जलसा के तहसीन है, क्योंकि ये जिक्र इबादत का सआदत है। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर आफ्ताब रिसालत आमिना कलाल अब्दुल्लाह के लगते जिगर अब्दुल मुत्तलिब के नूर नजर पीर के दिन तशरीफ लाए। पूरे मक्के में अनवार इलाही का नुज़ूल हो रहा था। ज़ुल्मत व कुफ्र में तहलका मच गया था। ईरान का आतिश कदर सदियों से जल रहा था, बुझ गया। तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशुमार सुभान अल्लाह। अब तक जो रहे ज़ैब हरम टूट रहे हैं, अब तक जो रहे ज़ैब हरम टूट रहे हैं। काबा नहीं काबे के सनम टूट रहे हैं। ए फख्र दो आलम की सना अब भी अधूरी, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं। आपको जो जिम्मेदारी रब ने सौंप ली थी, वो आपने दुनिया में जलवा अपनों होते ही शुरू कर दी। विलादत के बाद ही उंगली के इशारे से दावतें हक दे रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है कि मैं बहुत खुश थी और मुझे याद आई कि बच्चे के वालिद अगर होते तो कितना खुश होते, बच्चे के लिए खिलौने लाते। तो आई आवाज, फिक्र ना करो अमीना, मैं इस बच्चे का रब हूँ, मुरब्बी हूँ, उस्ताद हूँ। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चार को खिलौना बना दूंगा। सैर व तफरी चाहे तो मेरा सर खुला लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशुमार सुभान अल्लाह। जिस वक्त तालीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, जिस वक्त तालीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, उस वक्त तालीमा दाई के घरवार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। एक सिद्ध अली है